नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। तो वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। आज स्वामी दिनेश आनंद भारती भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव पहुंचे। भारी संख्या में ग्रामीणों को अपने साथ लेकर तहसील की ओर बढ़ने स्वामी दिनेश आनंद भारती को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने भगवानपुर तहसील पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स होने के चलते स्वामी टोल प्लाजा पर ही बैठ गए। यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित उम्मीदवारों का परिणाम जारी करने पर 2019 में लगाई गई रोक को हटा लिया है और परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की गाइडलाइन के तहत दिव्यांग उम्मीदवारों को 5% छूट देने के सरकार के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ सीएनजी की कीमत उत्तराखंड में 83.50 रुपए से बढ़कर 86 रुपए किलो पहुंच गई है। पिछले 17 दिनों में राज्य में सीएनजी की कीमतों में 9.5 रुपए का इजाफा हो गया है। देवघर में रोपवे की घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ऐसे में पर्यटकों में भरोसा जताने और तैयारियों को परखने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने आज मॉक ड्रिल किया। इस दौरान रोपवे में फंसे 10 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। निगम प्रबंधन का दावा है कि निगम के पास रेस्क्यू टीम की तैयारी पूरी है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ, क्योंकि जे न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।